सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने काशी के एक विद्वान को बुलाया था विशेष विमान से। गुरुदेव चले आइए। उस समय फाग था, यानी कोहरा चरम पर था, सारे विमान लगभग बंद हो गए थे। तो विशेष विमान से जिसे बुलवाया गया, जिन्होंने हरिवंश राय बच्चन के अंतिम संस्कार में जिन्होंने कर्मकांड कराया था, ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन की शादी में जिन्होंने प्रतिभाग किया था और अस्थियां विसर्जित की गई थी काशी में, प्रयागराज में तथा हरिद्वार में, तो उन्होंने ही इसे संपादित किया था। ऐसे ज्योतिषाचार्य और कर्मकांडी ब्राह्मण पंडित जी के साथ हैं मैं। प्रणाम, शुभ नाम क्या लिखते हैं आप? श्रीधर पांडे। तो पहली बार चार्टर्ड प्लेन से गए थे कि उसके पहले तो कभी ऐसे गए रहे होंगे? फ्लाइट से तो कई बार गए हैं, चार्टर्ड प्लेन से पहली बार। पहली बार गए? हाँ। मतलब एक छत राज लगा के, मतलब जो है, हाँ, वो यात्रा है। क्या बात है। वो भी हम लोग को लेने के लिए सहारा श्री सुब्रतो राय जी की पर्सनल फ्लाइट थी उनकी, उसी चार्टर्ड फ्लाइट से हम लोग गए। तो यहाँ से उड़े बनारस से? नहीं, यहाँ से बनारस से हम लोग लखनऊ गए। अच्छा। क्योंकि सारे इंटर एयरपोर्ट बंद हो गए थे फाग की वजह से, तो हम लोग यहाँ से लखनऊ पहुँचे। लखनऊ से फिर 9 बजे वहाँ से हम लोग जो है फिर पहुँच गए वहाँ फ्लाइट से। 11 बजे हम लोग जो है मुंबई पहुँच गए। अच्छा। उस समय हरिवंश राय बच्चन का पार्थिव शरीर वहाँ रखा हुआ था। और बच्चन जी का रहा कि काशी के लोग आ जाएंगे तभी हम कार्य आगे प्रगति करेंगे। और उस रात बच्चन जी वहाँ पर रात भर बैठ करके रामायण का पाठ पिताजी के सराहने बैठ के कर रहे। अच्छा। पूरी रात मानस का तुलसीकृत रामायण का पाठ वो बैठ के कर रहे थे। और जब हम लोग वहाँ पे गए तो पहले उन लोगों ने यही कहा कि इनको उठाइए आप। अच्छा। रात से बैठे हुए हैं, पाठ कर रहे हैं, भावुक हैं, उठ नहीं रहे हैं, इनको उठाने की व्यवस्था की। तो हम लोग वहाँ गए, उसके बाद हम लोगों ने मंत्रोच्चार के द्वारा शांति पाठ प्रारंभ किया। शांति पाठ क्या होता है? वैदिक मंत्रोच्चार से छोटा सा जो शांति शांति पाठ होता है, जो भगवान विष्णु के स्तोत्र होते हैं पुरुषोक्त, जैसे वनस्पति या शांति क्या, वो तो अलग है। भगवान विष्णु, क्योंकि ये मृत्यु से संबंधित चीजें थी। अच्छा। वहाँ पे विष्णु से संबंधित मंत्रों का पाठ किया जाता है। अच्छा। भगवान विष्णु का एक सूक्त है, पुरुषोक्त कहा जाता है। अच्छा। सहस्रशी रेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभो विगुंग सर्वतत्वा तरिष्ठरसांगुली, ये एक 16 मंत्रों का स्तोत्र है, ये सूक्त है। इसका पाठ हुआ। पाठ होने के बाद तब मैंने कहा कि अब आप, हम लोग आ गए हैं, अब आप आगे की कार्यवाही प्रारंभ किए। तो तुरंत उन्होंने किताब को बंद किया। अच्छा। बंद करके फिर आगे की जो प्रक्रियाएं होती हैं, तो विधि विधान से सब कुछ किया उन्होंने, विधि विधान से किया। ऐसा कि फिल्म जगत के जितने भी लोग हैं, जो उन्होंने एक प्रेरणा दी है कि माता पिता के प्रति क्या श्रद्धा होनी चाहिए, और जितना नियम संयम का उन्होंने पालन किया, वो बिस्तर पे नहीं सोते थे, घर में जमीन पे सोते थे। और सारा दिन, मैंने 10 दिन बारह 11-12 दिन तक पूरा उन्होंने जो है जो नियम हम लोगों ने उनको बताया, वो सारे नियमों का उन्होंने पालन। अमिताभ बच्चन जैसी महान शख्सियत अपने पिता के मृत्योपरांत सारा क्रियाक्रम जो भी है विधि विधान से किया और जमीन पर सोए। जमीन पर पक्का है, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं। अच्छा। तो आप लोग रह गए वहीं? नहीं। हाँ। प्रथम दिन गए हम लोग वहाँ पे कार्यक्रम को, वो अंतिम दिन का अंत्येष्टि कराने के बाद हम लोग काशी आ गए। हाँ। काशी आने के बाद फिर वो हरिद्वार होते हुए इलाहाबाद आए। अच्छा। इलाहाबाद उनका संगम में अस्थि विसर्जन, तो उस समय हम लोग यहाँ से काशी से इलाहाबाद गए। अच्छा। वहाँ पे संगम में विसर्जन हुआ मंत्रोच्चार के द्वारा। फिर दूसरे उसी दिन रात को फिर चले सुबह वाराणसी में गंगा में दशाश्वमेध घाट पे उनका जो है अस्थि पूजन करके अपना विसर्जन हुआ। उसके बाद वो चले गए मुंबई, हम लोग अपने घर। फिर दसवें दशगात्र के एक दिन पहले हम लोग मुंबई गए यहाँ से। अच्छा। दसवें से एक दिन पहले वहाँ मतलब गए। फिर वहाँ पूरा कर्मकांड कराने के बाद 3-4 दिन रुके वहाँ पे, मतलब त्रयोदशा हुआ। पूरा त्रयोदशा होने के बाद फिर हम लोग, तो जितने बड़े बड़े सीने जगत के अभिनेता और सब लोग आए थे, सब लोग ऐसे करते रहे हमें काशी के, पूरी इंडस्ट्री वहाँ पहुँच गई थी पूरी। इसके मूल में क्या है, आज हम उस पर भी बात करते हैं। काशी को ही क्यों चुना उन्होंने भगवान
भोलेनाथ की नगरी है, उनके त्रिशूल पर बसाया हुआ, यही उनकी ससुराल भी है भोलेनाथ की। भोलेनाथ का ससुराल सारंगनाथ, सारनाथ में सारंगनाथ, हाँ यही ससुराल। साल में भगवान एक महीने ससुराल में निवास करते हैं। तो जहाँ जहाँ वह द्वादश ज्योतिर्लिंग के रूप में विश्वेश्वर भगवान के रूप में स्थापित हो और वहीं ससुराल भी हो, तो सबसे प्रिय स्थान तो काशी ही होगा। वही है उनका जो है, काशी के बगल में सारनाथ। तो अपना जो है एक दृष्टि यहाँ रहती थी, एक दृष्टि वहाँ रहती थी, एक साल में एक महीने वो ससुराल में रहते। अच्छा, इसीलिए श्रावण महीने में सारंगनाथ का दर्शन करने का मौका। अब हम लोग फिर चलते हैं सदी के महानायक की तरफ। यद्यपि हमने उनका गांव भी दिखाया है, प्रतापगढ़ के मूल निवासी ये लोग थे, आज तक अमिताभ बच्चन वहां गए नहीं, और वहीं हरिवंश राय बच्चन पैदा हुए थे, बाबू पुरवा कुछ ऐसे ही है उनका गांव जहां हमने दिखाया था। तो धार्मिक हैं पूरी तौर पर, रूपेण धार्मिक आदमी है वो। अच्छा, और धर्म को मानने वाले आदमी है वो। हाँ, तो क्या लगा कि जैसे मानस का पाठ कर रहे थे तो अब नया नया तो किए नहीं होंगे, पहले भी करते रहे होंगे, एक भाव विभोर होकर के कर रहे थे अपना जो। हाँ, तो वो क्योंकि रात से ही बैठे हुए थे, उठे नहीं, एक गिलास पानी भी नहीं पिया उन्होंने, लघु शंका करने भी नहीं गए जैसा लोग वहाँ हम लोग को बताए। तो हम लोग भाई भाई ठीक है, अब इनको उठाना है किसी तरीके से। तब मंत्रोच्चार शुरू हुआ, मंत्रोच्चार होने के बाद फिर वो अपना उठे। दोस्तों, काशी में बच्चन कब आए और काशी से उनको लाभ क्या हुआ? बताते हैं कि विवाह के 50वें साल, यानी नहीं जब 50वीं साल गिरा, 50वां नहीं, इनका वो जया जी की 50वां साल। अच्छा, जया जी का 50वां वर्षगांठ मना। अच्छा, मतलब जया बच्चन जी का 50वां वर्षगांठ है, जन्मदिन। अच्छा, मनाने के लिए काशी आए थे 97 में। अच्छा, 97 में, उसी समय आप लोगों से, उसी समय उन्होंने काशी में संकट मोचन मंदिर में एक ग्रह शांति कराई। क्या ग्रह नक्षत्र? नव ग्रहों के मंत्रों का नहीं, क्या मतलब कुछ ग्रह नक्षत्र गड़बड़? ग्रहों की शांति जो हुई संकट मोचन मंदिर में, जो भी हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं वो ग्रहों की शांति, भाई ग्रहों से ही सारी समस्याओं की उत्पत्ति होती है। ग्रह को अगर आप शांत कर देंगे तो समस्याओं का समाधान होगा। कुछ प्रॉब्लम थे उनके जो भी रहे हों, अपना काशी में आए, बगैर 2.5 घंटे 3 घंटे बैठकर संकट मोचन मंदिर में उन्होंने पीछे जो 2 कमरे बने हुए हैं उसी कमरे में पूजन किया, हवन किया, जैसे जैसे आप लोग जैसे जैसे हम लोग कहे जिस तरीके से कहे, उन्होंने कहीं ये नहीं किया कि देर हो रहा है या जल्दी करिए, पूरे श्रद्धा से पूरी निष्ठा से बैठ करके उन्होंने पूजन किया, हवन किया। हवन करने के बाद अपने यहाँ आए सहारा श्री, जो सोनालपुरा में सारा का ऑफिस था वहीं पे जन्मदिन मनाया उन्होंने। अच्छा, उसके बाद फिर, अच्छा, जो ग्रह नक्षत्रों की शांति के लिए उन्होंने हवन पूजन किया, उसके बाद कुछ परिवर्तन दिन वो उनका परिवर्तन शुरू हुआ, उनकी प्रगति बढ़ती गई, इतना बढ़ती गई कि आज वो फिर अपने स्थान पे आ गए। और जब भी वो काशी आते हैं तो ग्रह शांति कराते हैं। अच्छा, तो काशी गोपनीय तरीके से आते नहीं, हैं नहीं, आते हैं तो भाई आप मीडिया को पता लग ही जाता है। हाँ, लेकिन हम लोग को जिससे मालूम होता है, हम लोग अपना पहले से, आप पहले तो अब मतलब कि पहले विश्वनाथ जी जाने लगे। हाँ, विश्वनाथ जी के बाद संकट मोचन। हाँ, अगर समय है रहे तो अभी तक 3 या 4 ग्रह प्रवेशन उन्होंने काशी में करवाया है संकट मोचन जी। अच्छा, कितनी बार आप लोग गए हैं यहाँ से? कहाँ, मतलब उनके जुहू वाले निवास? याद नहीं है, अनेकों बार, कई बार, लगभग साल में एक बार बुलाई लेते हैं। दोनों बंगले में, प्रतीक्षा में भी गए हैं, जलसा में भी गए हैं। प्रतीक्षा और जलसा। हाँ, ज्यादा पूजा पाठ किस में करते? जलसा में, जलसा में ज्यादा पूजा पाठ करते हैं। अभिषेक की शादी हुई तो उसमें भी आप लोग थे? शादी में भी थे हम। तो क्या मंगला मंगली का क्या कुछ? ये एक अनावश्यक लोगों ने चर्चा कर दी, काशी के कुछ पंडित जी लोगों ने विश्वनाथ जी आए मंगला आरती किया तो लोगों ने उसको मंगल दोष से जोड़ दिया, मंगला आरती दर्शन करने से मंगल की शांति होती है। अपना अपने, क्योंकि उस वक्त मीडिया संकट मोचन भी आए थे, नवग्रह पुरस्कार वहाँ भी हुआ था उनका वहीं पर, लेकिन मीडिया तब तक वहाँ प्रवेश नहीं कर पाई थी,
तो लोगों ने बाहर जिसके दिमाग में जो आया, अपना शादी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पेड़ से शादी हो रही है, कुछ नहीं, जैसे उनकी रूटीन पूजा होती है, संकट मोचन मंदिर में आते हैं। तो इस बार पूरी फैमिली के साथ आए थे, भाई भतीजा सब पूरा, सब लोग आए थे, ऐसा कोई बचा नहीं था जो ना आया हो। सबको बैठा के उन्होंने वह नवकर शांति करवाई, पूजन किया, हवन किया। हवन करने के बाद सबसे खतरनाक ग्रह कौन से हैं गुरु जी नवग्रह में? नवग्रहों में देखिए, कोई ग्रह प्राय सब अच्छे होते हैं। हाँ। किस जगह बैठते हैं उस स्थान से उसका जो है ज्ञान, जैसे राहु है, केतु है। सबसे खतरनाक शनि बताए जाते हैं। शनि को लोग कहते हैं, शनि हमारे दंडाधिकारी कहा जाता है, शनि न्यायप्रिय ग्रह है। शनि को लोगों ने बुरा बना दिया है, शनि गलत को गलत करता है, गलत का बर्दाश्त नहीं करता है, गलत करने वाले को पूरा दंड देता है, जो सही करने वाले हैं उनको न्याय, मतलब प्रशस्ति भी दंडाधिकारी कहते हैं शनि। लेकिन शनि जो देता है वो ले भी लेता है, अगर आप गलत तरीके से, भाई उसका एक समय आता है किसी के जीवन में, शनि के साढ़े साथ ही शुरू हो, आदमी बहुत तेज आगे बढ़ रहा है, तो जो बढ़ रहा है तो ये न कि न प्रकार न उसको आगे बढ़ना है, तो लास्ट में वो करता है क्या, सब बैलेंस बराबर कर देता है। अच्छा, आपको धराशाई कर देगा अगर आपने गलत तरीके से काम किया है। और राहु केतु का क्या है? ये भी पापक ग्रह है। अच्छा। ये दिमाग पे, स्वास्थ्य पे ज्यादातर असर पड़ता है। अच्छा, कैसे बता पाएंगे कि किस पर कौन सा ग्रह है? भाई वो तो जन्म कुंडली देखने के पास है। अच्छा, ऐसे हमको देख करके नहीं बता पाएंगे? वैसे उसकी एक विद्या अलग होती है, मुखाकृति विज्ञान, जो चेहरे की आकृति पढ़ करके। देखिए हमारे ज्योतिष में कई ऐसे पार्ट हैं जो सब लोग नहीं जानते हैं जी। कोई हस्तरेखा का जानकार होता है, कोई जन्म कुंडली का जानकार होता है, कोई आपको घर में प्रवेश किया आपने और आपके प्रवेश के समय कौन सा कदम पहले आगे आया उसको देख करके वो उसका फल कहते हैं, कुछ लोग आपको चेहरे को पढ़ करके फल करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कोई अंक अपने दिमाग में ले लो, अंग ज्योतिष को कहते हैं, तो अंग ज्योतिष का कई पार्ट हैं इसके। तो इसमें इसमें कौन कौन से पार्ट के आप विशेष हैं? आप लोग तो जन्म कुंडली के आधार पर, जन्म कुंडली के आधार पर वो उसका एक स्थिर होता है, सटीक उसका सटीक भी होता है और स्थिर होता है वो, और बाकी जो चीज़ें हैं वो क्षणभंगुर होता है। माने होता है नमस्कार पे चमत्कार, तत्काल आपको प्रभावित करने के लिए कुछ हमने बोल दिया, अब आपके बहुत बढ़िया है, बला चला उसका उपाय नहीं, उसकी शांति नहीं है उनके पास, तुरंत आकर्षण में लेने के लिए वो चीज़ वो करते हैं। तो अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय किस का दाम्पत्य सूत्र बंधन में दोनों लोग बंधे, उस समय भी आप लोग थे? उसमें शादी में थे। अच्छा, शादी कैसे हुई? जैसे अपने परंपरा में होती है शादी। अच्छा, उनके यहाँ दो परंपराएं चली, एक हाँ। साउथ की परंपरा चली, एक अपने उत्तर भारत की। हाँ। क्योंकि ये उत्तर भारत से संबंधित थे, हाँ। उत्तर भारत की परंपरा में शादी हुई। हाँ। हम लोग उत्तर भारत की परंपरा में शादी कराए। हाँ। साउथ की जो परंपरा है वो साउथ की परंपरा से उन्होंने अपना कराया। उनके यहाँ मंगल सूत्र प्रधान माना जाता है, हमारे यहाँ सिंदूर माना जाता है प्रधान। तो विंध्याचल का चढ़ा हुआ सिंदूर ऐश्वर्य राय को लगाया गया, मंगलसूत्र भी पहनी, सिंदूर भी लगाई, दोनों परंपराओं को मिक्स, वैसे ही जैसे सात फेरे लगते हैं और सब चीज़ें सब रही हुई हैं। और जैसे कि मतलब जैसे विवाह होता है, मंत्रों के द्वारा दो आत्माओं के को जोड़ा जाता है, ठीक उसी प्रक्रिया। अच्छा, आप लोगों से संबंध किसने कराया? हमें लग रहा है कि अमर सिंह जी काफ़ी करीब थे उन लोगों के। उनके ज्योतिषी हैं डॉक्टर चंद्रमौली उपाध्याय जी। चंद्रमौली उपाध्याय हमारे गुरु भाई हैं, काशी के ही हैं जी, और BHU में हेड ऑफ डिपार्टमेंट रह चुके हैं, वो हमारे गुरु भाई हैं जी। उनके पिताजी हमारे गुरु थे, तब से हम लोग का संबंध चला आ रहा है। ज्योतिष का काम वो देखते थे उनका, और क्रमकांड संबंधी कार्य मैं उनका देखता था। जो भी कोई उनकी मतलब जो भी कोई विशेष खास कोई जो होते थे तो हम ही को साथ रखते थे, वो तो हम लोग का इस तरीके से संबंध जी। तो दोस्तों, ये रहा आज के दिन गुरुदेव के साथ हम बैठे। काशी यूं ही काशी नहीं है, काशी में बड़े बड़े गली गली में आपको इस तरह के विद्वान, और गली गली में कंकर कंकर में शंकर यहाँ प्रतिष्ठापित हैं। कोई ऐसा दो लाइन का मंत्र बताएंगे जिसको बोलने से काम शुरू किया जाए, जिससे कल्याणकारी जो मंत्र हो, कुछ ऐसा? काशी का एक बहुत बड़ा मंत्र है, विश्वेशम माधवम धुंडम दंड पाड़िंग भैरवम वंदे काशी गुहांग गंगाम भवानी मणिकर्णिकाम।
ये श्लोक अगर आप पढ़ लीजिए समस्त कार्यों में आपको जो है तो याद नहीं होगा, कुछ शॉर्टकट बताइए। यही सब, ये सब सब शॉर्टकट रास्ता खोजते हैं। दो ही लाइन का होता है ये, अनुरूप छंद में होता है, 32 अक्षर होते हैं। इससे सरल, इसमें पूरे संपूर्ण काशी का इतिहास है जी। विश्वेशम विश्वेशम नाजिम माधवम ढूंढिम ढूंढी ढूंढीराज गणेश। हाँ, विश्वनाथ जी दंडपाणी। हाँ, दंडपाणी मंदिर देखे होंगे? नहीं देखा। दंडपाणी का भी मंदिर है उधर जी। विश्वेशम माधवम धुन दंडपाणी च भैरवम भैरवनाथ जी, काल भैरव वंदे काशी। जो इनकी वंदना करे वो काशी में जो है जी, और गंगा। अच्छा अच्छा गुरु जी, पंचाक्षर शिव पंचाक्षर देखिए मन के ऊपर तो महिम स्तोत्र में आया है। काशी में अगर है तो शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करिए, नहीं कर पाते हैं तो ओम नमः शिवाय का 108 बार अगर आप जप कर लेते हैं जी, तो आपको संपूर्ण मनोवांछित कामनाएं पूर्ण जी। सबसे सरल जी, इससे सरल कुछ नहीं, ओम नमः शिवाय जी। इसी के नमः शिवाय में 5 अक्षर हैं जी, 5वें अक्षर में शिव पंचाक्षर स्तोत्र है जी। अगर आप उसको पढ़ सकते हैं तो वो पढ़े, नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं समय है, नहीं संस्कृत जानते हैं, तो ओम नमः शिवाय का अगर आप जप कर लेते हैं, समझ लीजिए कि आप समस्त देवी देवताओं का आपने जो है मतलब कोई भी शुभ काम आराधना कोई भी शुभ कार्य करना हो जी, नमः शिवाय। काशी में है तो शिव जी, और कहीं है तो अन्य अन्य क्षेत्रों के अलग अलग मतलब स्थान के हैं। हाँ, जैसे बद्रीनाथ जाएंगे वहाँ नारायण है, केदारनाथ जाएंगे वहाँ शिव हैं, रामेश्वरम अच्छा, जाएंगे वहाँ शिव हैं, महाकालेश्वर जाएंगे वहाँ महाकाल हैं। हाँ, उज्जैन में जाएंगे वहाँ महाकाल हैं। हाँ, जहाँ जहाँ जिस भगवान की जो महिमा है वहाँ के उन देवताओं का आराधना। काशी में है शिव है, शिव समान दाता नहीं विपत निवारण हार, लज्जा सबकी राखियो नंदी के असवार, बाबा बाबा सब कहें मैया कहें न कोय, बाबा के दरबार में मैया कहें यहाँ जो कहें सो होए। हाँ, मैया जो कहती हैं, जो माता अन्नपूर्णा कहती हैं। अच्छा, यही भगवान शंकर अन्नपूर्णा तो साक्षात भगवती हैं, वही हैं भाई साक्षात माता। मतलब यहाँ जो काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में जो मंदिर अन्नपूर्णा जी का है। हाँ, प्राचीन मंदिर जो स्वर्ण की मूर्ति अभी खोली जाएगी। हुआ क्या है, जब भगवान ने काशी का निर्माण कर लिया जी, काशी का निर्माण करने के बाद, और काशी धरती पे नहीं है, आकाश में नहीं है, भगवान शंकर के त्रिशूल के 3 कांटे पर जो है काशी का निर्माण भोलेनाथ ने किया है जी, और 84 कोस की काशी जी है। और निर्माण किया तो सारी देवी सारे देवी देवता जो है काशी में जी आ गए। यार भगवान कही क्या तुम लोग कहाँ आ गए, कहे आप जहाँ आप रहेंगे पता लग गया आप काशी में, काशी का निर्माण किया है तो हम सब लोग यहाँ आ गए। भगवान के याद गए, खाओगे कहाँ से, तो माता अन्नपूर्णा विराजमान थी, भगवान शंकर खप्पर लेकर के भिक्षा मांगने के लिए। अच्छा, ऐसी अन्नकूट मैंने धनतेरस के दिन जो है अन्नकूट के दिन माता अन्नपूर्णा ने उनको अक्षय वरदान दिया कि जाओ जो काशी में आएगा वो भूखा उठेगा लेकिन भूखा सोएगा नहीं, भरपेट भोजन उसको। आज काशी में कोई बिना खाए नहीं रहता, कोई न कोई धर्म अन्नशाला धर्मशाला तमाम लोग कुछ न कुछ न कुछ न कुछ करते रहते हैं अपना जो है, ताकि शाम को हर लोग भरपेट भोजन करके सोते हैं। माता यहाँ ने अक्षय वरदान भगवान शंकर को दिया है। जब तक देवयुग था तब तक तो सारे देवता यहाँ विराजमान थे। गुरु जी कोई आप देश विदेश से अगर लोग आना चाहेंगे, आपसे संपर्क करना चाहेंगे, आते ही तो कोई कोई नंबर मेरा नंबर है बता दें, अगर फोन ज्यादा आएंगे कोई दिक्कत आपको? नहीं नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं जी, बताएं 9473 9639 6161 8181। आप भदैनी में आप रहते हैं, लोलार कुंड के पास। शुभ नाम एक बार फिर से बता दें। हाँ, विनम्रता के साथ आपको सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।